नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञान प्रकाश और आप इंग्लिश ग्रामर की क्लास ले रहे हैं। आज है क्लास नंबर 26। इससे पहले जो क्लास लगी थी हमारी, उसमें हमने टेंस के बारे में बात की थी और टेंस से रिलेटेड जितने भी कॉमन एरर्स कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मैक्सिमम हमने कवर करने की कोशिश की। अब 26 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन से रिलेटेड सम कॉमन एरर्स, यानी टुडे वी विल लर्न नाउन रिलेटेड सम कॉमन एरर्स, यानी नाउन पर डिपेंड नाउन से रिलेटेड कैसे कैसे एरर्स कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारी क्लास चलेगी। अब सबसे पहला सवाल है कि नाउन होता क्या है, नाउन क्या चीज़ है। तो नाउन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हमारी थी, जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने क्लास नंबर फर्स्ट से लेके क्लास नंबर फिफ्थ तक, यानी जो मेरी एक से लेके जो फाइव वीडियोज़ हैं, उनमें सिर्फ़ और सिर्फ ओनली नाउन के बारे में चर्चा हुई है, नाउन के बारे में बात हुई है। तो आप पहले तो उस वीडियोस को देखें अच्छे से, एक से लेके पांच तक की वीडियोस, ठीक है, कि नाउन क्या चीज़ है। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, ध्यान से समझ लें आप। यदि नाउन को अच्छी तरह समझना है आपको, तो सबसे पहले एक से लेके पांच तक की वीडियो जो है हम मेरी, वो जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे आप जो है देखें, और इसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि थोड़ा सा जो यदि आपके दिमाग पे धूल जम गई है, आप थोड़ा सा भूल चुके हैं थोड़ा बहुत, तो मैं मोटा मोटी जो है एक रफ आइडिया दे दूंगा आपको कि नाउन क्या होते हैं और क्या टाइप्स होते हैं। लेकिन यदि आपको ढंग से पढ़ना है, ढंग से चीज़ों को समझना है, तो आपको एक से पाँच तक की वीडियोज़ को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम नाउन के बारे में जो है थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी डिस्कशंस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे कि नाउन से रिलेटेड कैसे रहते हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। इससे पहले वाली जो एक से लेकर पाँच तक की वीडियोज़ हैं मेरी, नाउन पे ही डिपेंड है पूरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच करके, तो उनको आप देखें पहले। ठीक है, फिर आएँ इस वीडियो पे। तो देखिए, टाइप्स जो होते हैं मेन मेन, वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मेटेरियल, एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर जो होता है उसको हम व्यक्तिवाचक कहते हैं, सेकेंड जो कॉमन होता है उसको हम जातिवाचक कहते हैं, कलेक्टिव जो होता है उसको हम समूहवाचक कहते हैं, मटेरियल जो होता है उसको हम द्रव्यवाचक कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसको हम कहते हैं भाववाचक। ठीक है, जो नाउन की डेफिनेशन है वो क्या है, नाउन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, नेम, पर्सन और प्लेस और थिंग, है ना। यानी कि किसी किसी जगह का नाम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, नाउन का यही होता है ना, यही होता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा था। तो नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अब देख लेते हैं, कॉमन जो होता है वो जातिवाचक होता है। क्या होता है, जातिवाचक, यानी किसी जाति के बारे में बोध कराता है। किसके बारे में बात बोध कराता है, ये जाति के बारे में। जैसे स्टूडेंट एक जाति है ना, स्टूडेंट जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो जाति मतलब क्लास, जाति मतलब क्लास, ठीक है ना, जाति का मतलब क्लास के बारे में। एक बच्चों की क्लास होती है, यानी एक आदमियों की वो क्लास जो कि यंग एज में पढ़ाई करते हैं, तो उनको हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं ना। इस तरह से सिटीज हैं, है ना, जहाँ पे हम बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, और बहुत सारे सुविधा जो फैसिलिटीज़ हैं, है ना, वो उस प्रकार की जो होती हैं, उन क्लास को हम क्या कहते हैं, सिटीज़ कहते हैं। ठीक है, उस तरह से बुक है, ठीक है, बुक, किताब, ये भी अपने आप में एक जाति है। मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट का मतलब होता है मकबरा, मकबरा, मोन्यूमेंट का मतलब होता है मकबरा या फिर ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, तो इस तरह की बात। तो जो जाति को, यानी कि पर्टिकुलर एक थिंग को नहीं बताती, पर्टिकुलर एक चीज़ को नहीं बताती, बल्कि उस जैसी बहुत सारी तमाम चीज़ों को
बताती हैं उनको हम जातिवाचक कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रॉपर को देखो, प्रॉपर का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष, व्यक्तिवाचक होता है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम होगा। जैसे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट तो ये कॉमन है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन राम अब ये प्रॉपर हो गया। स्टूडेंट जो है वो तो कॉमन है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन राम नाम का स्टूडेंट अब क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। इसी तरीके से सिटी, सिटी दुनिया भर में तमाम है, तब तो ये कॉमन हो गया, लेकिन जब हमने दिल्ली की बात कर दी, दिल्ली की बात कर दी, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर हो गया, यानी एक व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। इस तरह से बुक, बुक जो है दुनिया भर में बहुत सारी बुकें हैं, रोज छपती हैं, है ना, तमाम तरीके की, पेड़ों को काट काट के। और बुक यदि हम बाइबल कह दें या फिर गीता कह दें, है ना, तो इस तरह की जो बुक्स होती हैं जिनका पर्टिकुलर नेम हो गया, तो अब ये क्या हो जाएंगी, प्रॉपर नाउन हो जाएंगी। इस तरह से मॉन्यूमेंट, दुनिया भर में मॉन्यूमेंट है, है ना, ऐतिहासिक इमारतें, मकबरे कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन यदि हम ताजमहल की बात कर दें, तो अब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक हो गया, इसलिए ये क्या बन गया, प्रॉपर हो गया। तो बात समझ में आ गई, कॉमन तो कोई भी होता है, कॉमन जो होता है वो एक जनरल क्लास को बताता है, जनरल चीज़ को बताता है, लेकिन प्रॉपर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को बताता है। जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जैसे जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, मेरे हाथ में मार्कर है, तो मार्कर जो है वो कॉमन हो गया, मार्कर जो है कॉमन, क्योंकि मार्कर दुनिया में तमाम तरीके के हैं, तो ये एक क्लास हो गई मार्कर की। लेकिन मैं कह दूँ कैमलिन का मार्कर है, कैमलिन का मार्कर है, तो कैमलिन जो है अब ये, अब वो उस जाति से थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, उस जाति से हट के थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, इसलिए अब ये कॉमन नहीं रहा, अब ये हो गया प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरह की बात है। थर्ड नंबर, कलेक्टिव, कलेक्टिव का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, यानी कि ग्रुप ऑफ थिंग्स और बॉडी, यानी कि थिंग्स जो ग्रुप में होती हैं उनको हम कलेक्टिवली जो होते हैं टीम कह देते हैं, है ना। टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ जो प्लेयर्स होते हैं उनको टीम कह देते हैं। ज्यूरी जो होती हैं, ग्रुप ऑफ जजेस, ज्यूरी का मतलब होता है जो फैसले करते हैं ना, जो हियरिंग्स होती हैं आपकी, जो कहाँ पे कोर्ट्स में, कोर्ट में होती है ना, कोर्ट और में, तो वहाँ पे तीन चार जज बैठते हैं, तो उन सबको इकट्ठे कह के क्या कह देते हैं, हम ज्यूरी कह देते हैं। इस तरह से गैंग है, अ ग्रुप ऑफ बैड बॉयज, है ना, अ ग्रुप ऑफ बैड बॉयज, या जो बुरे लड़के होते हैं, ठीक है, आवारा, तो उस तरह के जो होते हैं उनको हम ग्रुप में क्या कह देते हैं, गैंग कह देते हैं। ये है बीवी, ये है बीवी, बीवी का मतलब होता है, इसका जो अर्थ है ये है अ ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स, अ ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स, यानी कि यंग ऑफिसर्स के जो ग्रुप को, यंग जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कह देते हैं, हम बीवी कह देते हैं, ठीक है। और इस तरह से बीवी का एक दूसरा अर्थ भी होता है, अ ग्रुप ऑफ यंग गर्ल्स, यानी कि जवान जो लड़कियां होती हैं या युवा लड़कियां होती हैं, युवतियां होती हैं, युवतियों का जो ग्रुप होता है उनको हम क्या कह देते हैं, बीवी कह देते हैं, ठीक है। तो दोनों अर्थ हो गए इनके, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ यंग ऑफिसर्स और यंग गर्ल। ठीक है, मटेरियल, मटेरियल जो होता है, मटेरियल का मतलब होता है कि मान लो ईंट है, है ना, मान लो क्या है, ये ईंट है, तो ये जो ईंट है, ईंट किससे बनी है, किससे बनी है, मिट्टी से बनी है, है ना, किससे बनी है, मिट्टी से। तो जिस चीज़ से मिलके कोई चीज़ बनी रहती है उसको हम मटेरियल कहते हैं। मटेरियल का मतलब होता है जिस चीज़ से मिलके कोई चीज़ बनी होती है, जैसे मेरे हाथ में पेन है, तो पेन जो है इसका मटेरियल क्या है, पेन तो एक थिंग हो गई, एक कॉमन चीज़ हो गई, लेकिन इसका मटेरियल क्या है, प्लास्टिक है, यानी मटेरियल क्या हो गया इसका, प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल हो गया। इसी तरह से लोहा, आयरन, कॉपर, तांबा, मिल्क, दूध, दूध भी एक मटेरियल है, दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, दूध से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, है ना, इस तरह से हम क्या बनाते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं। उसके बाद वाटर, वाटर जो है वो उससे हम बहुत सारी चीज़ें, शिकंजी बना सकते हैं, है ना, ठीक है, चाय में भी पड़ता है वो। तो मटेरियल का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जिससे कोई चीज़ मिलके बनी हो,
ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जिससे मिलकर कोई चीज़ क्या हो, बनी हुई हो, वो क्या कहलाएगी, मटेरियल कहलाएगी। बात समझ में आई, सैंड है, सैंड का मतलब होता है रेत, है ना। आपको पता होगा कि रेत से भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि रेत में क्या होती है, सिलिका होती है, रेत में क्या होती है, सिलिका, और रेत में सिलिका होती है, उससे निकाल के और हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, कांच है, कांच बनाने में, या फिर वो जो सोलर पैनल होते हैं उनको बनाने में भी हम सिलिका काम में लेते हैं। बात समझ में आई। तो जिस चीज़ से कोई चीज़ मिलके बनी होती है, तो उसकी जो फंडामेंटल फंडामेंटल जो थिंग्स है उसको हम मटेरियल कहते हैं। आ जाइए फिफ्थ नंबर पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, यानी जिसे हम महसूस कर सकते हैं, यानी कांट सी फील ओनली, कांट सी फील ओनली, यानी हम किसी को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, कि आप किसी की किसी के अंदर ईमानदारी देख सकते हो। आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई आदमी आपको दिखा, तो आप क्या उसके अंदर की ईमानदारी देख सकते हो? नहीं देख सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, और वो तब जब आप उसके साथ बात करते हो, उसके साथ व्यवहार करते हो, है ना, उसके साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, तब आपको पता चलता है कि वो बंदा ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। तो सिर्फ फील करने की चीज़ें हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी है। अगेन मैं वही कहूँगा कि आप रोड से जा रहे हैं और एक आदमी जो है आपके जस्ट बगल से गया, तो आप उस क्या उसके अंदर ब्रेवरी देख सकते हैं, ब्रेवनेस देख सकते हैं उसके अंदर, बहादुरी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें फील करने वाली हैं, जब तक वो चीज़ें कुछ होगी नहीं तब तक हम देख नहीं सकते। लव, आप किसी से लव करते हैं, है ना, क्या वो देख सकते हैं? नहीं देख सकते, सिर्फ ये फील हो सकती हैं। आप कई बार क्या होता है कि आप देखेंगे कि आप किसी आदमी के साथ बैठते हैं तो आप बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं, है ना, और अच्छा फील करते हैं। तो सिर्फ फील किया आपने, क्योंकि उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो उस आदमी के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो बिल्कुल ही शांत हो चुका है, बहुत ही प्रेमपूर्ण है, है ना, लवेबल बीइंग है वो उसका जो होना है वो बहुत ही लवेबल है, वो बहुत ही प्यारा है, तो उसके आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल ही शांत हो चुका है, तो हम फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, पता नहीं आप करते होंगे कि नहीं करते होंगे, पर मैं करता हूँ, तो मेडिटेशन करता हूँ, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपकी एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल ही प्योर होना शुरू हो जाती है। जिस जो भी आपकी टेंशन्स हैं, जो चिंताएं हैं, तनाव है, जो स्ट्रेस है, है ना, जितनी भी, वो सारी की सारी वो बिल्कुल प्योर होना शुरू हो जाती हैं, और बिल्कुल आपके आसपास जो है ऑरा जो है, जिसको ऑरा कहते हैं, ऑरा यानी आसपास का जो आभा मंडल है, वो बिल्कुल ही लवेबल हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, ठीक है। तो मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है। लव, लव को हम फील कर सकते हैं, इसी तरह से हेट, हम किसी से नफरत करते हैं, ये भी हम फील कर सकते हैं किसी के प्रति। हम किसी आदमी के पास गए और बहुत ही शांत हो गए, लेकिन हम किसी आदमी के पास बैठते हैं और हम बिल्कुल ही अशांत हो जाते हैं, बिल्कुल ही हमारा दिमाग बेचैन हो जाता है। तो बस वो चीज़ें फील करने लायक है ना। कहते हैं ना कि जितना जो चीज़ें बोल के नहीं बताई जा सकती, उससे कहीं ज़्यादा हम उसको फील कर सकते हैं। तो फील करने वाली चीज़ें वो क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। बात समझ में आ गई। तो एक तो काम ये कीजिए कि आप सबसे पहले इसको जितना भी है मैंने कहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको नोट कर लो। तो आप टाइम लो, टेक योर टाइम, फिर मैं इसके उसको फिर थोड़ा सा रब करके और फिर कुछ और लिखूँगा। तो टेक योर टाइम प्लीज़। अब इसी से एक बात निकल के सामने आती है, जो प्रॉपर होता है इसको हम गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, यानी ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गया। जिसे हम गिन नहीं सकते, 1 2 3 4 5 6 करके, उस वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो मटेरियल होता है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। इस तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। बात समझ में आ गई। तो जो प्रॉपर होता है वो अनकाउंटेबल क्यों होता है, मैं बताता हूं आपको। देखो, राम नाम है, ठीक है, राम का नाम है एक, तो राम का नाम तो किसी, जैसे मेरा नाम, चलो राम है, ठीक है, वैसे मेरा नाम तो ज्ञान प्रकाश है, चलो मेरा नाम राम है। तो अब राम नाम का
आदमी तो मैं ही हूँ ना, कोई आदमी, चलो मान लो क्लास में यदि मैं बैठा हूँ और मैं अकेला ही हूँ राम नाम का, तो कोई आदमी कहेगा कि इस क्लास में राम कितने हैं। ध्यान से समझना, क्लास में राम बैठा हुआ है, एक राम नाम का एक लड़का बैठा हुआ है। कोई आदमी आया और उसने कहा कि इस क्लास में राम नाम के राम कितने हैं, कितने राम हैं, गिन सकते हो क्या राम? नहीं गिन सकते, क्योंकि वो इकलौता ही है, राम नाम का इकलौता आदमी है, ठीक है ना। इसी तरीके से दिल्ली देखो, अब दुनिया में दिल्ली है, कितनी दिल्लियाँ हैं दुनिया में, कितनी दिल्लियाँ हैं, एक ही दिल्ली है। बिल्लियाँ बहुत हैं, दिल्ली नहीं है, है ना। बिल्लियाँ बहुत हैं पर दिल्ली नहीं है, दिल्ली तो इकलौती है। और दिल्ली इकलौती है तो आप गिन सकते हो क्या इसको? जब कोई चीज़ अपने आप में यूनिक होती है तो आप उसको गिन ही नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ यूनिक होती है उसकी काउंटिंग ही नहीं होती, क्योंकि वो इकलौती चीज़ है। आप पेन को गिन सकते हो, दुनिया भर में तमाम तरीके के पेन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। आप हाउसेस को गिन सकते हो, ठीक है, आप चीज़ों को गिन सकते हो, पर क्या दिल्ली को गिन सकते हो? क्यों? क्योंकि दिल्ली अपने आप में इकलौती चीज़ है, इसलिए इसका जो है इसको हम अनकाउंटेबल रखेंगे, यानी कि ये गिना नहीं जा सकता। इस तरह से बाइबल है, अब बाइबल जो है होली बुक है ना, जो ये क्रिश्चियन होते हैं इनकी होली बुक होती है बाइबल। तो बाइबल जो है अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, बाइबल जो है, जो ओरिजिनल बाइबल है वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, जिसे म्यूजियम में रखा हुआ है। तो अब वो अपनी दुनिया में इकलौती है, तो अब उसके जैसे कोई है नहीं, तो आप गिनती कैसे करोगे, ठीक है ना। तो वो यूनिक चीज़ है, इसलिए बाइबल जो है वो अनकाउंटेबल होगी। इसी तरह ताजमहल दुनिया में कितने हैं? इकलौता ताजमहल है, एक ही ताजमहल है आगरा में, तो उस ताजमहल की गिनती कैसे करोगे? ताजमहल बहुत सारे होते हैं तो चलो गिनती भी गिन लेते, 1 नंबर 2 नंबर ताजमहल, 3 नंबर ताजमहल, लेकिन जब वो खुद इकलौता है तो गिनती तो होगी नहीं, गिनती होगी नहीं तो ये क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा, यानी इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। इसी तरीके से मटेरियल, मटेरियल को भी हम काउंट नहीं कर सकते। कैसे? देखो, आप पानी को गिन सकते हो क्या? पानी को गिन सकते हो क्या? एक पानी, दो पानी, तीन पानी। दूध को गिन सकते हो क्या? एक दूध, दो दूध, तीन दूध, गिन सकते हो क्या? रेत को गिन सकते हो? आपके हाथ में दे दूँ रेत, गिन लोगे? कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, आप गिन सकते हो? एक तांबा, दो तांबा। आयरन, लोहा गिन सकते हो? एक लोहा, दो लोहा, नहीं गिन सकते। इसलिए क्या हो गया? यूसी हो गया, अनकाउंटेबल। यूसी का मतलब होता है यू फॉर अन और सी फॉर काउंटेबल, अनकाउंटेबल। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये भी अनकाउंटेबल होता है। कैसे? क्योंकि आप क्या किसी की ऑनेस्टी देख सकते हो कि मैं कह दूं कि राम के अंदर जो है 2 किलो ऑनेस्टी है, कह सकता हूँ क्या ऐसा? राम के अंदर जो है 3 किलो ब्रेवरी है, ऐसा कुछ कह सकता हूँ क्या मैं? राम के अंदर 5 किलो लव है, ऐसा कुछ कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता। इसलिए जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते उसको हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल। बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर अनकाउंटेबल होता है, मटेरियल अनकाउंटेबल होता है, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल होता है, यानी कि उनको गिन ही नहीं सकते, नहीं गिन सकते। यूसी का मतलब होता है हम गिन ही नहीं सकते, यूसी का मतलब होता है हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल। यू फॉर अन, सी फॉर काउंटेबल, ठीक है। ये तीन अनकाउंटेबल होते हैं, बाकी जो दो बच गए, बाकी जो दो बच गए इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? ये काउंटेबल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो, सिटी को काउंट कर सकते हो, बुक को काउंट कर सकते हो, मॉन्यूमेंट को काउंट कर सकते हो, टीम, ज्यूरी, गैंग, बेवी बीवी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप काउंट कर सकते हो। तो जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल कहेंगे, जिस चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल कहेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब अनकाउंटेबल, ध्यान रखना, जब किसी चीज़ का अनकाउंटेबल है तो क्या उसका प्लूरल बनेगा? जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो क्या उस चीज़ का प्लूरल बनेगा? जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल है तो क्या उसका प्लूरल बनेगा? बोलो, प्लूरल बनेगा क्या? प्लूरल नहीं बनेगा। तो इसका प्लूरल नहीं बनेगा। इसी तरह से इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? प्लूरल क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जब किसी चीज़ को हम गिन ही नहीं सकते, जब ये गिनती हम गिन ही नहीं सकते, तो फिर उसका बहुवचन कैसे बनाओगे? बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेन, पेंस। पेन, पेन का क्या होता है? पेन गिन सकते कि नहीं गिन सकते? एक पेन, दो पेन, तीन पेन। तो इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, इसका प्लूरल बना सकते हैं, पेंस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो पेन जो है ये काउंटेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। पेन जो है वो काउंटेबल है, गिन सकते हैं। और जब गिन सकते हैं तो हम उसका पेंस कर सकते हैं, यानी कि हम एक से ज़्यादा पेन कर सकते हैं, यानी उसका हम बहुवचन बना सकते हैं।
यानी उसके पीछे एस या ई एस हम लगा सकते हैं। बहुवचन कैसे बनाते हैं? एस या ई एस लगा के, एस या ई एस लगा के बहुवचन बनाते हैं। इसका मतलब जब जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते, जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल नहीं बनेगा, यानी उसका मतलब उसका एस या ई एस वाला भी फॉर्म नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपके? इस तरह से ये भी यही चीज़ है कि प्लूरल यदि नहीं बन रहा है अनकाउंटेबल का, जिसको हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल नहीं बन रहा, तो प्लूरल नहीं बन रहा तो फिर एस या ई एस लगाना भी बेमानी है, यानी इनके पीछे एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मिल्क्स, वाटर्स, सैंड्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चीज़ों के पीछे एस या ई एस नहीं लगा सकते जिनको हम नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि उसका प्लूरल बनेगा नहीं। प्लूरल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो उसको गिन ही नहीं सकते, उसको हम गिन नहीं सकते। जब गिन ही नहीं सकते तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? प्लूरल कैसे बनता है? एस या ई एस से। जब प्लूरल नहीं बन रहा तो फिर एस या ई एस नहीं लगेगा। आ जाइए, ये जो काउंटेबल है, काउंटेबल क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं। तो इसका मतलब इसका प्लूरल बनेगा, और प्लूरल बनेगा तो इसका मतलब एस या ई एस लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है, जिस चीज़ को गिन सकते हैं हम, तो इसका मतलब उसको प्लूरल भी बन सकता है। और प्लूरल कैसे बनता है? एस या ई एस। तो केवल कॉमन और कलेक्टिव के ही प्लूरल बनते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के ही प्लूरल बनते हैं, यानी उनके पीछे एस या ई एस लगता है, बाकी किसी के पीछे एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। बात यह है कुल मिला के कि प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये कुछ ऐसे, ये तीन जो हैं, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ये तीनों जो हैं ये अनकाउंटेबल हैं। ये क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को गिन ही नहीं सकते, जब हम किसी चीज़ को नहीं गिन सकते तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा? यानी उसको हम गिन नहीं सकते तो एस आई एस नहीं लगा सकते, इसलिए इसके पीछे एस आई एस नहीं लगता है। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव जो होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। स्टूडेंट गिन सकते हैं, है ना? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, है ना? तो कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कितनी सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, है ना? कितने बुक्स हैं शेल्फ में, मोन्यूमेंट्स कितने हैं वर्ल्ड में। तो जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं, और काउंटेबल को प्लूरल बनता है, और प्लूरल कैसे बनता है? एस या एस लगा के। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लो, फिर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक योर टाइम। तो चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। नाउन टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल होते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। जिनको हम गिन सकते हैं उनका हम प्लूरल बना सकते हैं, यानी उनको हम, जब हम चीज़ों को गिन सकते हैं तो हम ए एन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ए का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, गिव मी अ बुक। अब एक सेंटेंस बताता हूँ आपको मैं, गिव मी अ बुक। सेंटेंस क्या है? गिव मी अ बुक, मुझे एक किताब दो, यानी एक किताब दो ना। ए का मतलब क्या हो गया? एक। इसी तरह से गिव मी एन अम्ब्रेला, बाहर एक, बाहर बरसात हो रही है और मैं छाता लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा किसी को? गिव मी एन अम्ब्रेला, यानी कि एक मुझे छाता दो। तो एक, ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं, गिन सकते हैं, तभी तो हम किसी चीज़ को कहते हैं एक, है ना? जब हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं, जब हम किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं, तभी तो हम एक दो तीन चार कहेंगे कि एक छाता, दो छाता, तीन छाता, एक किताब, दो किताब, तीन किताब। यानी जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसके आगे, उसके साथ हम ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से जो प्लूरल बनता है तो एस या एस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए अनकाउंटेबल पे। अनकाउंटेबल में क्या होता है? अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते, तो उसमें ए एन का इस्तेमाल करें, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, ए एन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते उसको, उसमें हम कैसे लगाएंगे एक? एक लोहा, दो लोहा, एक ब्रेव, एक बहादुरी, दो बहादुरी, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी ए का भी इस्तेमाल नहीं होगा और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसका मतलब इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम किस चीज़ को गिन ही नहीं सकते। किसी चीज़ को हम गिन ही नहीं सकते तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा? इसका बहुवचन तो बनेगा नहीं, और जब बहुवचन नहीं बनेगा तो बहुवचन बनता कैसे? एस या ई एस लगा के। तो यानी एस या ई एस भी अपने आप में गलत होगा। यानी अनकाउंटेबल के साथ ए या एन का इस्तेमाल गलत है। इसी तरीके से अनकाउंटेबल का एस या ई एस बनाना, अनकाउंटेबल का एस या ई एस वाला फॉर्म बनाना भी अपने आप में गलत है। काउंटेबल में क्या है? काउंटेबल में ए या एन का इस्तेमाल बिल्कुल अपने आप में सही है, क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं,
और इसी तरीके से एस या ईएस लगाना भी अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि हम इसका प्लूरल बनता है। प्लूरल क्यों बनता है? क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लें आप।